मुझसे ही हो रही है, क्योंकि ये जिस तरह से हर जगह बोल रहे हैं कि मैंने उनको धोखा दिया है। सुशांत सिंह राजपूत दूसरा बनाने जा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री। नमस्कार, मैं नाम आलोक है, आप लास्टीज देख रहे हैं। भोजपुरी जगत के दो कलाकार खेसारी लाल यादव भोजपुरी सुपरस्टार, गाना भी गाते हैं, फिल्मों में काम भी करते हैं, वहीं भोजपुरी सिनेमा की अदाकारा काजल राघवानी कई फिल्मों में दोनों साथ साथ दिखे हैं। लेकिन अब विवाद काफ़ी बढ़ गया है। कहा यह भी जा रहा है कि इन दोनों ने अपनी एक फिल्म की शूटिंग हाल ही में ख़त्म की है, जिस फिल्म का नाम लिट्टी चोखा बताया जा रहा है। लेकिन आखिर क्यों, जब फिल्मों में साथ साथ काम कर रहे हैं फिर भी अब विवाद शुरू हो गया है। हम आपको इस वीडियो में काजल राघवानी की बातों को सुनाने जा रहे हैं, साथ साथ खेसारी लाल यादव ने जो फेसबुक लाइव आकर अपनी बातों को रखा है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जनता मालिक है, जनता ने मुझे बनाया है और मैं गरीब का बेटा हूँ, ये कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने आज तक सिर्फ लोगों का भला ही सोचा है। वहीं काजल राघवानी भी ये कह रही हैं कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से भद्दी भद्दी गालियाँ मुझे दी जा रही हैं, ये काफ़ी निंदाजनक है। और ऐसे में खेसारी लाल यादव ने नहीं, पवन सिंह ने मुझे सपोर्ट किया है। और स्टारडम की जहाँ तक बात है तो वो खैर पवन सिंह के द्वारा दी गई है। ऐसे में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बीच बढ़ता हुआ विवाद कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। और ये भी साफ दिख रहा है, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव थोड़ा भावुक हो गए थे फेसबुक लाइव करते हुए, उन्होंने ये भी कह दिया क्या मैं सुशांत सिंह राजपूत बन जाऊँ। तो अब विवाद जो है आगे बढ़ने लगा है, क्या भोजपुरी सिनेमा में भी सुशांत सिंह राजपूत बनने की कवायद चल रही है। खैर, ये बातें गलत होंगी। क्या कुछ कह रही हैं काजल राघवानी, जरा वो सुनिए, उसके बाद खेसारी लाल यादव क्या कह रहे हैं, दोनों की बातों को सुनिए। जी, मैं आज भी मैंने किसी को मना नहीं किया है, आज भी मुझे प्रोड्यूसर्स फोन करते हैं कि खेसारी जी अपोजिट है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बोला है कि मैं उनके साथ काम नहीं करूंगी, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आता है कि ये क्यों इतना मतलब उछल रहे हैं एंड हर जगह इतना बोल रहे हैं लाउड स्पीकर में कि लाइक मैं काम नहीं करूंगा। सो उनका मुझे समझ में नहीं। नफरत तो सिर्फ मुझसे ही हो रही है, क्योंकि ये जिस तरह से हर जगह बोल रहे हैं कि मैंने उनको धोखा दिया है और मैं बहुत वो मुझे बहुत गलत वे में प्रेजेंट कर रहे हैं हर जगह। सो बस इस वजह से ही लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और नफरत तो सिर्फ मुझी से हो रही है। और बिकॉज एक ये भी बनता है कि मैं गुजराती हूँ लेकिन सबसे ज़्यादा इंसानियत है मेरे अंदर। मैं कभी किसी के सामने इवेंट्स मैं भी करती हूँ, हर जगह मैं भी जाती हूँ, हर चीज़ मैं भी इंट्रोड्यूस देती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, ना मैंने किसी के बारे में कभी ऐसा बोला, ना ही मैंने कभी ये बोला कि खेसारी ने मुझे धोखा दिया है। अगर मैं ये बोलना स्टार्ट करूँ खेसारी ने धोखा दिया है तो फिर बहुत कुछ बातें बन सकती है। काश आप समझदार होते तो शायद ये सब अफवाह ना फैलाते और लोगों से गालियाँ ना दिलवाते। अगर आप इतना ही प्यार करते और इतना ही रिस्पेक्ट होता किसी के नज़र में, ना ही इज्जत होती अगर, तो ये सब ना करते। मेरे स्टारडम में अगर मैं योगदान देना चाहूँगी तो मैं फिर पवन जी को ही देना चाहूँगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब पवन जी और खेसारी के बीच में मैं किसी को चूज़ कर रही हूँ, या फिर लोगों को अभी ये दिखाना चाहती हूँ कि खेसारी जी से अगर कुछ भी हमारे इश्यूज़ है, पर्सनल इश्यूज़ है, उस वजह से मैं अभी पवन जी को मैं वो कर रही हूँ कि उनको सिलेक्ट कर रही हूँ, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज मेरे दो फेस नहीं है। मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत दूसरा बनाने जा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री। जितनी सपोर्ट हिंदी इंडस्ट्री से सुशांत सिंह राजपूत को मिला था, वही भर भर के प्यार मुझे पूरी इंडस्ट्री देने की कोशिश में लग गई है। अच्छी बात है, लेकिन मैं उतना कमजोर हूं नहीं, क्योंकि मेरे पास आप सबकी मोहब्बत है। आप मुझे सुशांत सिंह राजपूत की तरफ लेकर जाइए, आप कोशिश करिए कि हम भी कुछ कर जाएं। बट ऐसा करूंगा नहीं मैं। हेलो, पैसे से अगर स्टार्टअप मिलती होती है ना, पैसे से सामान खरीद सकते हैं आप, सम्मान नहीं। आपके पास पैसे बहुत होंगे, आप सबके पास पैसे बहुत हैं, नो डाउट, ईश्वर करे और बढ़ जाए। बट आप पैसे से सामान खरीद सकते हैं, सम्मान नहीं और स्टार्टअप नहीं। आप अपनी जुबान से बोल के ऐसा क्या दिखाना चाहते हो? मैं गरीब का बेटा हूं यार,
ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्ट्रगल करके आया हूँ, मैं लिट्टी बेचा हूँ, मैं दूध बेचा हूँ, इसीलिए गरीबों के दर्द में रहता हूँ, इसीलिए उनकी तकलीफों में रहता हूँ मैं। हाँ, मेरी पब्लिक सिटी पब्लिक बढ़ रही है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अपना अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा गाना गाता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, ज्यादा गाना गाता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, अच्छी सिनेमा कर देता हूँ तो प्रॉब्लम होती है। संघर्ष में मेरी कोई उपलब्धि नहीं थी। तो आपने खैर इन दोनों की बातों को सुन लिया है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां आरोप लगाए जा रहे हैं काजल राघवानी द्वारा, वहीं दूसरी ओर खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि मैं जो आज बना हूं वो खुद की बदौलत है, मेहनत किया है। और जहां तक बात दूसरों की आरोप की है, तो आप खुद काम करो, आगे बढ़ो, किसी ने रोका है क्या? खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बीच बढ़ता हुआ विवाद कब सुलझेगा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपनी अंतिम फिल्म लिट्टी चोखा की है। तो क्या लिट्टी चोखा तक ही साथ था काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का, कह पाना मुश्किल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।